कुशीनगर में 30 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद मुख्यालय स्थित जिला पंचायत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 118 हिंदू व 26 मुस्लिम वर वधु विवाह के बंधन सूत्र में बंधे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे द्वारा दीप प्रज्वलित कर वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। टीवर इंडिया न्यूज के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में एसओ थाना महोबा खंड बुजुर्ग फरियादी से शारीरिक सेवा कराते हुए हमेशा चर्चा में रहते हैं। एसओ महोबा खंड विपिन प्रकाश 4 दिन पूर्व किया गया स्थानांतरण रुकवाया, उसके बाद एसपी महोबा के आदेशों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। फरियादी आए पहले साहब की शारीरिक सेवा करे, फिर बाकी सेवाएं इसके बाद साहब के मिजाज पर निर्भर है। ऐसे चल रहे हैं महोबा जिले में, जहां पर अगर पीड़ित जाए भी तो आखिरकार कहां जाए। पीड़ित ने जिला प्रशासन और माननीयों की जेब में शासन की चंद लोग रुकवा देते हैं स्थानांतरण, जिसके चलते साहब का खौफ जगह जगह पर बेचारी जनता को झेलना पड़ता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। सूबे की योगी सरकार अपराधियों पर रोकथाम लगाने में बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि रेप घटनाएं लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार, शासन और प्रशासन किसी प्रकार से अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। मामला सीतापुर का है, जहां पर 13 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं अवैध असलहे के दम पर रेप की घटना को कई आरोपियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पूरा मामला जनपद सीतापुर के सदरपुर के अंतर्गत पूजा पुत्री राकेश का है। वह शौच के लिए अपने घर से बाहर गई थी। करीबन कुछ अपराधी घात लगाए बैठे थे। रासिर पुत्र मेहंदी और नदीम पुत्र नसीम ग्राम रुदाइन मजरा रसूलाबाद सदरपुर इलाके में लड़की का हाथ पकड़कर खींचने लगे, जिससे लड़की चीखने चिल्लाने लगी। तभी रासिद और नदीम ने लड़की का मुंह दबाकर बगल में खड़े वाहिद पुत्र वारिस अली व तसब्बुर पुत्र मुनव्वर अली ग्राम रुदाइन मजरा रसूलाबाद के सीतापुर में नजायज असलाह दिखाते हुए लड़की को चुप रहने को कहा, जिसके बाद लड़की को वहां से खींचते हुए बगल में बने इस्लामिया स्कूल में ले गए, जहां पर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर अपराधी फरार हो गए। जब लड़की को होश आया तो वह किसी तरह से अपने घर पहुंची, अपने परिवार वालों के साथ रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों ने घटना की जानकारी सदरपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को दी, जिसे उपरोक्त घटना का मुकदमा पंजीकृत करके जांच करने के बाद घटना में सम्मिलित लोगों पर कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। इस बारे में जब थाना इंचार्ज दिनेश सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि लड़की की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। हाँ, क्या कैसे क्या हुआ? अब कैसे क्या, शाम को यहाँ गई रहा लड़की, जान नहीं, हम तो जान नहीं पाए। हमें लड़की हमारी यही है, तब तो वह सब बताई थी। क्या बताया लड़की ने? वह लड़की ने बताई थी हम अम्मा गए, हम जैसे गए घर पर आयन हम या तब या हम घर पर रहते, तो सुबह हमसे बताया अम्मा या बात हमारी भाई है। क्या हुआ था, क्या हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ या बात भाई है? ये जो नदीम नसीम के लंगड़ा है, यू बहुत खराब बात की नहीं। कितने लोग थे? 4 लोग रहे, 5। कहाँ पे कही है सब घटना का? उर्दू वाले स्कूल में। उर्दू वाले स्कूल मदरसे में? हाँ, मदरसे में। आपकी बेटी पढ़ने जाती थी? मदरसे के अंदर घटना हुई कि मदरसे के बाहर? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में बमनी विकासखंड के बनवासी कल्याण आश्रम से संबंध सेवा समर्पण संस्थान कारी डाट चपकी में विराट स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने रविवार को किया। सेवा समर्पण संस्थान के प्रदेश संगठन मंत्री आनंद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक विशेष डॉक्टरों की टीम कैंप लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में वनवासियों का उपचार करेगी। बताया कि पीजीआई बीएचयू स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज सहित विभिन्न अस्पतालों के 400 विशेष डॉक्टरों की टीम पहुँची है। 10,000 रोगियों के इलाज का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए साउंड सिस्टम लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। बताते चले कि बरसात का मौसम शुरू होते ही क्षेत्र में तमाम तरह की संक्रामक बीमारियां पांव पसारने लगती हैं, जिसे गरीब आदिवासी इलाज नहीं करा पाते। इसे ध्यान में रखकर संस्थान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर दवा उपचार कराती है। बताया गया कि डॉक्टरों की टीम टोली बनाकर गांव-गांव में कैंप करेगी। कार्यालय में सफल संचालन में कृष्ण गोपाल भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री प्रमोद दुबे, डॉक्टर लाल सुबन, द्वारिका गुप्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए।
ये जो विषय आता है कि पिछली सरकार ने बना के उसको खाली क्यों छोड़ दिया, उसमें अनेक है जिसको हम लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है और अभी भी कल भी मैंने समीक्षा की है, शायद दो ऐसे और सेंटर्स हैं सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उसको भी मैं चलाने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ। सर भाजपा विधायक आकाश विजय वर्गीय नगर निगम अधिकारी को बैठ के ये विषय मध्य प्रदेश में सर सोनभद्र में कोई टेक्नीशियन नहीं है, किसी को एक्सरे कराना होता एक ही टेक्नीशियन है सर, तीन मंडल का देखते हैं। मैंने जब आपको इतना बता दिया क्यों प्रश्न पूछते हैं, मैं कह तो दिया कि मैं टेली रेडियोलॉजी यहाँ पे ले आया हूँ। नहीं रोड आया तो है सर, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। भाई साहब टेली रेडियोलॉजी या तो क्या बोलूँ, मैंने आपको कहा वो लेकर आ गया हूँ, उसको आप लगेगा ना यहाँ पे। नहीं सर, ये जो आप कह रहे हैं कि ये यहाँ से वो रिपोर्ट उनको देंगे उसके माध्यम से, आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे सर टेक्नीशियन ही नहीं है सर, वो तीन मंडल का देख रहे हैं जी सर। टेली रेडियोलॉजी में टेक्नीशियन ही करता है काम, वो रिपोर्ट फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है जहाँ रेडियोलॉजिस्ट बैठता है, वो रिपोर्ट जनरेट करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेज देगा, वो डॉक्टर पढ़ लेता है। लेकिन सर है ही नहीं, जैसे मेयर पास ऐसी है, उनको 150 किलोमीटर जाना होता है। अंतरा में संयुक्त चिकित्सालय जहाँ बिजली के अभाव की वजह से वहाँ पर जितने भी उपचार संबंधित केंद्र है वो नहीं चल पा रहे हैं। नहीं होगा तो कनेक्शन जरूर मिलेगा। टी वी वन इंडिया न्यूज के लिए अनामिका श्रीवास्तव के साथ राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने समस्त जनपद वासियों को आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि विभिन्न संचारी बीमारियों को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने संबोधन में प्रदेश भर के नागरिकों को इस अभियान में अधिक से अधिक जुड़ने का आह्वान किया है ताकि बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच में विभिन्न प्रकार की विषाणुजनित बीमारियों जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, कालाजार है, इन सभी प्रकार की बीमारियों का प्रकोप काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे हुए तराई क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर पिछले कई दशकों से मासूम बच्चों को समय निकल जाता है। विगत 2 वर्ष के दौरान प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा जो एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कार्यक्रम योजनाबद्ध ढंग से लागू किए गए, उसका परिणाम था कि विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों मस्तिष्क ज्वर आदि के नियंत्रण पर हमें 35% कमी देखने को मिली और मौत के आंकड़ों को भी हम 65% कम करने में सफल हुए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर सभी नागरिक जागरूक होकर के इन सभी प्रकार के संचारी रोगों के नियंत्रण में सरकार के साथ सहभागी बने तो इस बीमारी को पूरी तरह रोका जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है और इसका उन्मूलन भी किया जा सकता है। छोटे छोटे प्रयास जिसमें स्वच्छता का है, कहीं जल जमाव न होने दें, किसी भी प्रकार की उस बासी भोजन न खाएं, प्रदूषित जल का सेवन न करें। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के अंदर हर जगह लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो,
लेकिन फिर भी अगर किन्हीं कारणों से कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाया है तो जल को उबाल करके ठंडे करने के बाद ही उसका सेवन करेंगे तो भारी मात्रा में इस बीमारी से बचाव और इसकी रोकथाम की जा सकती है। प्रदेश के अंदर 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें पहली जुलाई से 15 जुलाई तक दस्तक। ह्यूमन इंडिया न्यूज़ के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट, कुशीनगर। प्रदेश के जनपद हमीरपुर में पिता के अपहरण के बाद भी ग्रामवासियों और संगीनों के साय में पूरे हुए 7 फेरे। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमीरपुर की, जहां पर 26 जून को लापता हुए पिता का अभी तक पता नहीं पुलिस लगा पाई है, जिसके चलते 30 जून 2019 को पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में लड़की का विवाह सम्पन्न हुआ। मामला जनपद हमीरपुर के थाना राठ के अंतर्गत आने वाले ग्राम अकौना का है, जहाँ पर 30 तारीख को एक लड़की की शादी होने की थी, जिसके पिता 26 जून 2019 को राठ में अपनी पुत्री के दहेज का सामान खरीदने आया था, लेकिन रास्ते में ही पैसे समेत पिता का अपहरण कर लिया गया और फिरौती में 6 लाख की रकम मांगी जा रही थी, जिससे लड़की की शादी खतरे में थी। लेकिन ग्रामवासियों और पुलिस की मौजूदगी में आज यह शादी सम्पन्न हुई। वह शादी राठ स्थित चोपरा मंदिर में अपने रीति रिवाजों से सम्पन्न कराई गई, जिसमें राठ थाने का भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। ग्रामवासियों ने इसमें पूरा सहयोग कर पुत्री को आशीर्वाद देकर विदा किया। क्या नाम है आपका? टीकाराम जी, आज जो ये शादी हो रही है बच्ची की, इनके पिता का अभी तक पता नहीं चला है, तो ये शादी में किस तरह का क्या हो रहा है? शादी कर रहे, ज्यादा लोग सब जगह कर रहे हैं, अब उनको पता ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, जो बारात पक्ष है, लड़का पक्ष है, तो क्या वो भी पूरा सहयोग कर रहा है आपकी शादी में? ये शादी कहाँ से कर रहे हैं? चोपरा मंदिर से। ये दिन की शादी है या रात की? दिन की। रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड।